हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ और ये शाम तक ब्लॉग आएगा इसका। तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। आज मेरा व्रत है, फिर भी हमसे काम करवाया जा रहा है। और मेहंदी मेरे लग गई है, फेशियल भी हो गया है, लेकिन अभी और दो तीन काम बाकी हैं। तो पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू पोछा हो गया है, लेकिन मेरी मेहंदी छूटी थी ना, तो मेहंदी पूरी चिप 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 हो गई है, मेहंदी बिखर गई है ना, तो इसलिए हम लगा रहे हैं झाड़ू। वैसे झाड़ू पोछा हो गया है, पूजा भी हो गई है हमारे ठाकुर जी की। ये बैठे हैं लड्डू गोपाल, टुपिया नहीं पहनते, ये नखरे हैं इनको। और पूजा वगैरह सब हो गई है, लेकिन झाड़ू लगा रहे हैं। ये देखो मेहंदी कैसे फैल गई है, छूटी थी धीरे धीरे और बिस्तर पे भी थी, तो इसलिए पैर चिपक रहे थे, तो मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ। अयांश कहाँ हो? तो गाइज, आज है करवा चौथ और मेहंदी मेरे हाथों में लग चुकी है, तो अभी रेडी होंगे, है ना अयांश? तो खाना पीना बन गया है, लेकिन हमारी पूड़ी जो साथ रहती ना, आई मम्मी, साथ पूड़ी और साथ पिटवा, वो बनाने को रह गए हैं और कपड़े निकालने को रह गए हैं, क्योंकि मुहूर्त जल्दी है शायद। तो पहले सामान निकाल लेते हैं और क्या पहनेंगे, क्योंकि नए कपड़े पहने नहीं जाएंगे, और कुछ हुआ है, सूप डूबे हैं, तो इस वजह से तो पुराने कपड़े पहने जाएंगे। तो हम देखते हैं पुराने हैं मेरे पास या नहीं है। ये देखो मेहंदी लग गई है, नेल पेंट भी लग गया है, और अब हम रेडी होनेंगे। पहले पूड़ी बना लेंगे, उसके बाद रेडी होंगे, ठीक है? तो पहले सामान निकाल लेते हैं, क्या क्या सामान निकालने को है। तो गाइस, क्योंकि आज करवा चौथ है, तो मैं नहाऊंगी नहीं, ठीक है? तो गाइज, आज सौम्या पूरा काम करेंगी, क्योंकि मेरा फास्ट है। तो इधर हो रही है चावलों की तैयारी, चावल बनेंगे। और अयांश अपना बिस्किट फिस्किट क्या कर रहा है पता नहीं। और इधर बन रही है डाढ़े, तो चलो हम डाढ़े दिखाएंगे कैसे बनती हैं। अरे तौबा तौबा, ये बेसन है, और बेसन में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गुड़ डालते हैं, और इसको अच्छे से घोलते हैं। घोलने के बाद गाइस क्या करेंगे वो आगे प्रोसेस दिखाएंगे। हाँ, इतनी जल्दी डाढ़ा सूप के कड़ी बन गई है? क्यों बन नहीं पाएगी, पागल हो क्या? हटो हटो ना, ये अयांश बदतमीज, जले बिस्किट खा लो। तो गाइस, ये अच्छे से घोल बना लेंगे, और इस कढ़ाई में इसको ना मतलब उबालेंगे अच्छे से। पकाने का काम किया जाएगा। अंदर चलो चलो, हटो 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 लो दूध। तो गाइस, इसमें कढ़ाई में तेल पड़ गया है थोड़ा सा सरसों का, और ये डाल देंगे, और इसको डालने के बाद अब इसको पकाएंगे अच्छे से। मेरी आंखें बाहर आई हैं, तब चेक करेंगे। चलो, अरे करा दिए, कल चले आज तो करवा चौथ था ही, टाइम नहीं, हम दिखाने अपनी आंखें। सौम्या की आंखें बाहर आ जाएंगी, उसके बाद ही चेकअप होगा।
ऐसे ही रांधेंगे और अच्छे से मतलब पक जाएगा तब इसका थोपा बनाएंगे। तो गाइज इसको ऐसे धागा से कट करते हैं, लेकिन ये जल्दी में बना रही है ना, तो इसलिए उल्टा सीधा बना दे रही हैं, मतलब पतली पतली नहीं कट कर रही हैं, थोड़ी सी मोटी ही कट कर रही हैं। और अगर इसको अच्छे से बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बनती हैं, बिल्कुल पतली पतली और लंबी लंबी। ये बेसन थोड़ा सा अलग ही था इस वजह से, लेकिन कोई नहीं, मुझे ना ये कढ़ी इसकी ही अच्छी लगती है, पकौड़ी की कढ़ी नहीं अच्छी लगती है, और ना ही पालक गाजर और वो अटरम सटरम किसी की भी अच्छी लगती, तो ये मेरे लिए ही बन रही है। इनको बोलते हैं डाणे, और डाणों की कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है, पकौड़ी की कढ़ी तो इसके आगे एकदम एकदम फीकी है। अब इसको ऐसे ही करके और ऑयल में फ्राई कर लेंगे अच्छे से, पकौड़ी की तरह सेंक लेंगे, और फिर उसके बाद कढ़ी बनेगी। ये देखो सामान तैयार कर रही हैं, पूजा का खाना बना रही हैं, पूड़ियाँ वगैरह बनाना कुछ आता नहीं बैठ जाती हैं चौधराइन बन के। ओ गाइस मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ क्योंकि मेरा व्रत है तो मुझसे ही काम करवाया जाएगा, क्योंकि हमारे घर में सब आलसी भरे हुए हैं और एक ने तो नहाया भी नहीं है, सौम्या ने तो नहाया भी नहीं है, शिल्पा ने हाथ मुंह धो लिए और ऋषभ ने नहा लिया है, शिल्पा ने भी नहीं नहाया, हाथ पैर ही धुले हैं उसने। हाँ तो आज तुमने बस करवा चौथ की वजह से नहा लिया है, वरना वैसे खुद नहीं नहाती है। देखिएगा गाइस जब ये पूड़ियां निकलेंगी ना तब देखिएगा कैसी निकल रही है, क्योंकि बनानी नहीं आती है इनको। अंकल जी का सिले है कुर्ती और अयांश उधर शिल्पा दीदी की कुर्ती फाड़ रहा है, तो अंकल जी को बुला रही है सिलने के लिए तो गाइस पूड़ी बन जाती है, फिर मिलते हैं, ठीक है, फिर तैयारी करेंगे। और बहुत सारे बच्चे ट्यूशन भी पढ़ने आए हैं, लेकिन दो तीन बच्चे उसमें शैतान हैं, जैसे कि सौम्या